हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप विंडोज 7 को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं सीरियल की के द्वारा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए और यहां पर टाइप कीजिए विंडोज 7 एक्टिवेटर। और यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में है, उसे में क्लिक करना है। ओपन हो रहा है। इसे आप डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में डाउनलोडिंग चल गया है, वहीं पर क्लिक करना है। तो ये डाउनलोडिंग चालू हो चुका है, ये डाउनलोडिंग पे क्लिक करिए। और इसका फाइल है जी, ये एक जिप फाइल है, इसका पासवर्ड विंडोज टूल्स है, इसको याद रखिएगा। विंडोज टूल्स। यहाँ पर देखिए इसको ओपन करना है जिप फाइल को। तो यहाँ पर अनजिप करना है, तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो ये विंडोज टूल्स यहाँ पर लिखना है। विंडोज टूल्स यहाँ पर सो पासवर्ड में देखिए, तो ये विंडोज टूल्स लिखा हुआ, अब ओके करना है। तो ये देखिए अपना अनजिप हो चुका है, इसे अब क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ मेरा विंडोज एक्टिव है कि नहीं। तो देखिए अभी एक्टिव नहीं है, 30 डेज टू एक्टिवेट लिखा आ रहा है। एक्टिवेट विंडोज नाउ। तो चलिए इसमें विंडोज लोडर में क्लिक करते हैं और रन एडमिनिस्टर में क्लिक करते हैं और यस कर देते हैं। थोड़ा टाइम लेगा। अब देखिए यहाँ पर अभी यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए हो गया, अब रीस्टार्ट करना है इसी को। चलिए मेरे स्टार्ट के बाद मैं बताता हूँ। देखिए मेरा पीसी रीस्टार्ट हो चुका है, अब मैं बताता हूँ कि आप मेरा विंडोज एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो चलिए और देखते हैं। यहाँ पर देखिए विंडोज अभी थोड़ा टाइम लेगा, विंडोज एक्टिवेट हो चुका है। देखिए ये मेरा प्रोडक्ट।